गुड आफ्टरनून एवरी वन आई एम डॉक्टर रवि प्रकाश त्रिपाठी ना टूडे आई नाउ आई एम डिलवरिंग माई एक्सपर्ट लेक्चर बेसिकलीस इज दिस बेस्ड ऑन आर्टिकल वन डिस्कसन इन अटल एफ बी पी टूडेज इट्स अ वेरी न्यू न्यू टॉपिक दैट इफ दिस एफ डी पी अप्रूव या एफ डी पी जो अप्रूव हुआ दो रिसर्च पेपर ये डिस्कशन के माग डिस्कशन के लिए बोला गया था कि आप जो है दो डिस्कशन रिसर्च पेपर अपने शो करेंगे जिस पे अगर वो अप्रूव होता है उसके बाद आपको एफ डी पी अप्रूव होगी तो एट द टाइम ऑफ जब ये डिसाइड किया जा रहा था कि एफ डी पी लेना है तो हमने ये कहा जस्ट बड़ा कम समय था तो दो टाइटल दिए कौन से जाए तो हमने कहा हम अपना ही लगा देते हैं और हमने अपने जो रिसर्च पेपर्स थे उनको ऐड कर दिया और टाइटल है <coughs> आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे त्रिपाठी एट एल एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ लोकल स्कॉर अराउंड टी सेप स्पर्ड आइक इन मैंडिंग चैनल ये पब्लिश हुआ वाटर सप्लाई में और इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है 1.78 पॉइंट सेवन एट समाउ है ये सीआई जर्नल है और इसको फर्स्ट थिंग की देखा जाए जब अप्रूव होने के बाद अब उसमें ये एक स्लॉट ये है कि आर्टिकल डिस्कशन करेंगे आप जो आपके आर्टिकल सेशन एक्सेप्ट हुए, हुए हैं उनको डिस्कसन करना है तो बेसिकली ये डिसाइड किया गया आपने एक टर्म ये जो लोकल स्कॉर सुन रहे स्कोरिंग सुना आपने स्कोरिंग इरोजन नाउ डेज इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम आप देखेंगे कि जितने भी ब्रिज को हो रहे हैं टीयर कोलेप्स हो रहे हैं इस पर डाइक स्ट्रक्चर को हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं वो स्कोरिंग की वजह से स्कोरिंग क्या हो रहा है बेसिकली इरोजन होता है कि जो बेड मटेरियल है जब फ्लो स्टार्ट होता है डाउन अप स्ट्रीम से तो ये क्या करता है बेड को इरोड करता है बेड के जो सॉयल पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करके एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिमूव करके दूसरे लोकेशन पर क्या करेगा वो डिपॉजिट कर देगा तो ये एक टर्म है स्कोरिंग कहां पर टी सेप स्पाइक जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है मेडअप किया है रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली देखा जाए रिवर बैंक को प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया टी प्रोटेक्ट क्रिएट किया अब टी सेप स्पाइक को प्लेस करने के बाद ये देखा गया अच्छा सॉरी पटेल जी नेक्स्ट कैसे होगा पॉइंटर Outline of the presentations are first one introduction, need of the study, literature review, study gap, problem statement, objective, methodology, numerical modeling, result and discussion, future scope. Uh, today we will cover only up to the problem statement, remaining part we will discuss tomorrow or next sessions. Okay. Introduction as uh, you see here, <laughs> Spur -dike, इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच विच वन इज एंड इज वन ऑन रिवर बैंक एंड अदर इंड इज प्रोजेक्टिंग इन टू द करेंट यू सी हीयर दैट की स्पर्ड इज क्रिएटेड हेयर अगर देखा जाए तो इसका जो एक पोर्सन कहाँ पर है बैंक की तरफ है और सेकेंड प्रोजेक्शन कहाँ है इसका रिवर बैंक इंड इज ऑन रिवर बैंक एंड अदर इंड इज प्रोजेक्टिंग इन टू द करेंट दीज स्ट्रक्चर्स आर मैन मेड स्पर्डाइक बेसिकली मैन मेड स्ट्रक्चर है ठीक है मैन मेड स्ट्रक्चर्स वाइडली कंस्ट्रक्टेड इन एलोवीएल एल्यूवियल रिवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पर्डाइक इज ऑल्सो नेक को क्या बोलते हैं ग्रोयन भी बोलते हैं देन फिर इस्टीमेट कैन बी मेड अप ऑफ मैक्सिमम लोकल स्कॉर लाइक्यू टू अकर फॉर ए फाउंडेशन अंडर गिवेन फ्लो एंड सेडिमेंट कंडीशन स्पर्डाइक में हेल्प्स इन टिपिकल परपज ऑफ डिफ्लेक्टिंग करेंट अवे फ्रॉम द बैंक टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन अब ये डिसाइड है कि कैसे इस पर डाइक को क्रिएट करने के बाद हम लोग इरोजन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बेसिकली अगर देखा जाए ये रिवर का बैंक है सपोज ये दो बैंक है फ्लो स्टार्ट हो रहा है सपोज हियर क्या है अपस्ट्रीम अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम से फ्लो स्टार्ट हो रहा है ठीक है अब जब ये स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पर्टिकुलर ये जो चैनल है इसके बैंक को वो अटैक करेगा जब बैंक को अटैक करेगा तो फर्स्ट थिंग जब फ्लो स्टार्ट हो रहा है जब डायरेक्टली बैंक पे वो अटैक करेगा तो यहां पर क्या होगा इरोजन के चांसेस होते हैं कई बार आपने देखो देखा होगा कई सारे विलेजेस कई सारे विलेजेस क्या हो रहे हैं डे बाई डे वो डिग्रेड हो जा रहे हैं डिस्टेटेड हो जा रहे हैं बेसिकली वो पूरा जो विलेज क्या हो रहा है इरोड रोड होके पूरा वो जो नद, ये बैंक का <coughs> देखा जाए इरोजन हो हो के वो पूरे गांव जो हो रहे हैं नदी में जाके मिक्सअप हो जा रहा है ठीक है अब देखा जाए इस पर्टिकुलर ये जो बैंक है अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर प्लेस कर दिया जाए अगर आप देखेंगे ये अगर बैंक है यहाँ स्ट्रक्चर प्लेस कर देंगे अगर स्ट्रक्चर प्लेस कर दिया गया तो जो फ्लो का अटैक था इस पे तो नहीं होगा, यहां होगा और यहां होने के बाद देखा जो बैंक को तो हमने कर दिया अब हो हो सकते हैं? यहां पर हो सकते हैं हैं पर अब में में होगा फिर होने की चांसेस होंगे अब बात ये होती है कि अगर हमने बैंक को तो प्रोटेक्ट कर दिया फिर डे बाई डे रिलाईज होता है जब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यहां प्लेस कर दिया गया तो यहां ना होकर यहां होने लगा तो पहले ये किया गया कि स्पर्डाइक एक, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा बैंक को रिवर बैंक को ये प्रोटेक्ट करेगा देन फिर अब क्या हो गया सेक्रीफिशियल स्पर्डाइक बनाए जाने लगे कि इस पर्टिकुलर स्पर्डाइक को जब यहां भी रोजन के चांसेस होने लगे स्कोरिंग होने लगा ये स्ट्रक्चर फेल होने लगा तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे स्पर्डाइक क्रिएट किए जाने लगे तो ये कहीं सोचा जाए कि ये जो रिसर्च है यही एंड हो जाएगा नहीं अगर हम एक पर्टिकुलर दूसरा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे और ये कहेंगे रिवर बैंक को हम इरोजन से और स्कोरिंग से हम प्रोटेक्ट कर लेंगे तो नहीं जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया उसके अराउंड भी इरोजन और स्कोरिंग के चांसेस होंगे फिर उसके मेंटेनेंस के लिए <laughs> उसके इरोजन और स्कोरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करने लग जाते हैं ठीक है आप इसमें देखेंगे बेसिकली ये मैन मेड ही स्ट्रक्चर है स्पॉट आइक है ये कहां हो रहा है प्रोजेक्टेड इनटू द करेंट ठीक है

फिस हैबिटेट एंड ऑन द मास ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज इजेंडेड सस्पेंडेड पर्टिकुलेट्स एंड ऑर्गेनिक मेथड थ्रू आउट द चैनल क्रिएटिंग अ स्लैग फ्लो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिल्कि सिल्डिंग ऑफ द एरिया इन दिसलिटी ऑफ द रिवर बैंक इंप्रूविंग द डेप्थ फॉर निविगेशन परपज बेसिकली क्या करेंगे डेफ्थ को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा रिवर की जो डेफ्थ है डे बाई डे अगर देखेंगे सिल्टेशन हो रहा है डिपॉजिशन हो रहा है तो उसके डेप्थ को भी हम लोग इंप्रूव करेंगे ताकि उसको नेविगेशन नेविगेशन पर्पज में यूज किया जा सके टू डाइवर्ट और गाइड द फ्लो बेसिकली अगर कभी का क्या होता है कि फ्लो को डाइवर्ट करना हो गाइड करना है तो भी इस डाइक को हम लोग क्रिएट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्डाइक बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डाइक्स और डिफरेंट टाइप्स फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन हाइट ऑफ डाइक विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेवल अब देखा जाए दो टाइप के स्पोर्डाइक होंगे सम्मर्ज स्पोर्डाइक एंड नॉन सम्मर्ज स्पोर्डाइक सम्मर्ज स्पोर्डाइक कौन है एज यू सीन हियर ही सम्मर्ज स्पोर्टाइक देख रहे होंगे कि वाटर के पर्टिकुलर जो वाटर का लेवल उसमें क्या है वो सामर्ज है कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है कि हम लोग सम्मर्ज स्पोर्डाइक क्रिएट करेंगे कि जो रिवर का जो वाटर लेवल होगा उसमें वो सामर्ज होगा और कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत होगी जो नॉन सम्मर्ज स्पोर्डाइक होंगे ठीक है तो सम्मर्ज एंड नॉन सम्मर्ज स्पोर्डाइक मे डिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ समर्जेंस कंडीशन द समर्ज कंडीशन इज नॉट डिजायरबल फॉर इम्परम स्पर्डाइक सो दर टॉपिंग फ्लोकॉज सेवरल इन एंड डेमेजेस जो समर्ज स्पर्डाइक होते हैं उसमें देखा जाए कि अगर वो सम्मर्ज होंगे तो उसमें ओवर टोपिंग के चांसेज और उस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें भी इरोजन के चांसेस ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर परमेबिलिटी

तो फ्लो आएगा तो परमिएबल ये इम होगा अगर इसी में हम लोग होल्स कर देंगे ठीक है एक होल्स कर देंगे ऐसे होल्स कर देंगे तो फ्लो आएगा यहां से क्या हो जाएगा वो पास कर जाएगा ये बेसिकली हो गया इम परमिएबल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टू बी परफॉर्म फर्स्ट वन इज अट्रैक्ट अट्रैक्टिंग स्पोर्डाइक सेकेंड वन इज डिफ्लेक्टिंग स्पर्डाइक रिफ्लेक्टिंग स्पर्डाइक एंड सेडिमेंटिंग स्पर्डाइक फर्स्ट वन अगर हम अट्रैक्टिंग स्पर्डाइक की बात करेंगे तो जस्ट अगर फ्लो स्टार्ट हो रहा है मेन चैनल में अगर ये मेन चैनल है और ये स्पर्डाइक है अगर इसका फेस ऐसे कर दिए तो ये फ्लो को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ठीक है अट्रैक्टिंग स्पर्डाइक अब इसमें अगर फ्लो स्पर्डाइक इस शेप में है अगर हमने जस्ट इसको इस तरह से क्रिएट किया अब जो फ्लो के जो चांसेस होंगे फ्लो अगर हो रहा है तो इरोजन के चांसेस कहाँ होंगे स्कोर होल फॉर्मेशन के चांसेस कहाँ होंगे फ्लो अगर वहाँ से स्टार्ट करेगा तो स्कोर होल का जो चांस होगा

अट्रैक्टिंग स्पर्डाइक हो गया और फ्लो सपोज यहाँ से एंटर कर रहा है तो ज़्यादा जो स्कोरिंग के जो चांसेस होंगे स्कोर होल का जो फॉर्मेशन होगा वो डाउन स्ट्रीम में होगा देन फिर डिफ्लेक्टिंग में देखेंगे तो अगर टिप ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ होगा और डायरेक्टली अगर फ्लो यहाँ अटैक करेगा तो स्कोरिंग कहाँ होगी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी ठीक है और इसके बाद जब फ्लो यहाँ से एंटर करता है तो इस फेज में भी स्कोर होल के फॉर्मेशन होंगे सेकेंड इज <coughs> आपका सेडिमेंटिंग स्पर्डाइक तो बेसिकली देखेंगे रिपेलिंग रिपेलिंग इज फॉर्म्ड विद एन इंक्लिनेशन इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन वेयर एज अट्रैक्टिंग स्पर्डाइक इज फॉर्म बाई एन इंक्लिनेशन इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन विच रिफ्लेक्ट्स द फ्लो अवे फ्रॉम इट सेल्फ द डिफ्लेक्टिंग स्पर्डाइक इज कॉन्स्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर इन द ट्रांसफर्स डायरेक्शन टू द रिवर फ्लो अब ये ध्यान देना होगा कि जो स्पर्डाइक का जो कॉन्स्ट्रक्शन होगा ये परपेंडिकुलर इन द ट्रांसफर्स डायरेक्शन लिखा जाए परपेंडिकुलर इन ट्रांसफर्स डायरेक्शन इस तरीके से प्लेस होगा ठीक है अब ये फर्स्ट थिंग जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या किया जाए तो अगर आप देखेंगे एक ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इरोजन की हम लोग हर दिन फेस करते हैं कि सबसे ज़्यादा इरोजन और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये नहीं सोचेंगे तो क्या विधायक जी और ग्राम प्रधान ये तो नहीं सोच पाएंगे तो ये हम लोगों को सोचना होगा आप डिसाइड करिए कि गंगा जी अस्सी घाट देख रहे हैं ना अस्सी घाट पे जब भी फ्लड आ रहा है तो आप देखते होंगे कॉन्टीन्यूसली अस्सी घाट पे सबसे ज़्यादा डिपोजिशन होता है और आप पूरे मंथ पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर आप देखते होंगे कि जेट पंप के थ्रू जेट पंप के थ्रू वहां का जो डिपोजिशन है सील्ड का उसको कॉन्टीन्यूसली इरोड किया जाता है अब क्या वो गवर्नमेंट क्या फोकस करे बेसिकली वहां ये सोच रहे हैं कि बस हम उसको जो है इरोड करके हटा दें कभी ये सोल्यूसन तक नहीं पहुँच पाए अभी तक जितने भी हाइड्रोलिक्स के रिसर्चर हैं या किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि पर्टिकुलर वहाँ जो इरोजन कहाँ से इरोजन हो रहा है और कहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है ये पर्टिकुलर क्यों हो रहा है कभी उन्होंने ध्यान नहीं वो ज़्यादातर फोकस कर ही नहीं पा रहा हर बार क्या करें वो देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूअसली वहाँ पे जेट पम्प्स लगा के सॉयल को और सैंड पार्टिकल को इरोड करके रिवर में प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं अब देखा जाए पर्टिकुलर आप जो देखते होंगे डब्ल्यू जो बना है अस्सी घाट की तरफ से जब आगे बनते हैं वहां पर सबसे ज्यादा डेफ्थ है तो ज्यादा जो इरोजन सबसे ज्यादा जो सॉयल का स्कोरिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जो इरोजन हो रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन से हो रहा है और वो डिपोजिशन कहाँ के हो जाता है हर बार अस्सी घाट पर सबसे ज्यादा डिपोजिशन हो जा रहा है अब बेसिकली है क्या आप देखे होंगे कि अगर किसी रोड पे आप टर्न कर रहे हो जब आप रोड पर टर्न करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रिफिकल फोर्सेज ज्यादा होंगे सैंटिफिकल फोर्सेज में ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपको रजिस्ट करने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ता है तो सिमिलर काइंड क्या है कि जब रिवर की बात करते हैं जहाँ रिवर पे बेंड है कहीं भी कोई विलेज अगर नदी में गया है रिवर्स में डिपो अगर इन्वॉल्व हो गया एकदम डिपॉज देखा जाए डूब गया तो आप रियलाइज किए होंगे वो वो विलेज जो है किसी बेंड पर होगा और बेंड कौन सा होगा कॉनकेव जब कॉनकेव बैंक पे रिवर का फ्लो फ्लो ऑफ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो इरोजन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे और जब एट द टाइम ऑफ फ्लड क्या करते हैं देखा जाए मिलियंस देखा जाए थाउजेंड्स ऑफ बैक क्या करेंगे वो सिल्ट का सैंड का एक ग्रेवल का वहाँ पर डिपॉजिट करते जाते हैं अब उस टाइम पर अगर आप सबसे ज़्यादा आप फील्ड करोगे तो वहाँ तो होल्ड होगा नहीं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो आएगा फ्लो अटैक करके अटैक करेगा और सबसे ज्यादा सेंट्रिफिकल फोर्स की वजह से बेंड है सेंट्रिफिकल फोर्स ज्यादा होगा सबसे ज्यादा फ्लो अटैक करेगा और तुरंत इरोड करके लेकर चला जाएगा और वो केस एस इस लेवल तक जाता है कि पूरा गाँव पूरा जो सोसाइटी होगा पूरा जो कॉलोनी होगा वो खत्म हो जाता है ठीक है तो आप देख रहे हैं कि अस्सी घाट का डिपोजिशन है अब ये चीजें एज ए हाइड्रोलिक्स इंजीनियर अगर आप लैब में गए होंगे देखा होगा आपने रिवर मैं चैनल बनाया ठीक है आप उस पर काम करने की जरूर कोशिश एफर्ट करिए एक बार क्योंकि वहाँ अगर आप कर काम कर पा रहे हैं तो पर्टिकुलर अगर देखा जाए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लगाए जा सकते हैं जैसे पार्क्यूपाइन सुना है कभी पार्क्यूपाइन वहाँ लगाइए कि पार्क्यूपाइन क्या करेगा सेडिमेंट को ट्रैप करेगा और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है जब फ्लो किसके साथ होता है सेडिमेंट को कंटेन करके नहीं होता है? सेडिमेंट के थ्रू हो रहा है कोसी क्यों सबसे ज़्यादा प्रॉबिस्टेटिंग है कोसी रिवर का डिवास्टेशन का क्या रीजन है याद है आप लोगों को जैसे कोसी क्या बोला जाता है कोसी को सारोह बिहार बोला जाता है बोला जाता है ना क्यों बोला जाता है पटना वाले लोग बताएं बाढ़ आना प्रॉब्लम नहीं है कोसी का जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कोसी क्या कर रहा है कई सारी रिवर्स हैं फ्लड सबसे ज्यादा हैं बट कोसी में प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना कोर्स चेंज करते जा रहा है कोर्स चेंज करने के साथ आप ये देखते होंगे कि सबसे ज्यादा सेडिमेंट ट्रैप करके वो सबसे ज्यादा सेडिमेंट को ट्रैप करेगा इरोड करेगा और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाकर डिपॉजिट कर देगा तो कोसी के अराउंड जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड हैं वो सब वेस्ट हो गए हैं वहां पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है क्यों क्या कर रहा है वो सबसे ज़्यादा जब उसका जो फ्लो होता है तो सेडिमेंट सबसे ज़्यादा कंटेन करता है सबसे ज़्यादा सेडिमेंट कंटेंट करेगा कंटेन करेगा और फिर ले जाकर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डिपॉजिट कर देगा अब ये उसकी प्रैक्टिस है ईयरली ये फिनमिना वहां पे चल रहा है और उसको चेंज नहीं किया जा पा कर पा रहे हम लोग क्यों और ये बस ये हो रहा है कि कोशिश सारो अब बिहार फ्लड कंट्रोल बन गया सारी चीज़ें सब अलग अलग सोसाइटी बन गई बट उसके लिए और सैंड का डिपोजिशन ये एक मीटर दो मीटर ऐसे नहीं है कम से कम 10 फीट 15 फीट बता रहे हैं कि इतना डिपोजिशन हो रहा है पॉसिबल ही नहीं है लोग अपना गांव छोड़ के चले जा रहे हैं तो इस पर अगर बेसिकली क्या होता है कोर हाइड्रोलिक्स में काम करने वाले लोग सबसे कम है कोई एनालिसिस करना ही नहीं चाहता फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था मैंडिंग चैनल में काम करना तो सैंड बैग खुद ही उठा उठा के समझ समझना उसमें प्लेस करना पड़ रहा था तो पहले तो अगर आप मैं रिवर या मैंडिंग चैनल में काम करेंगे तो सैंड आपको ले जाना होगा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा और सैंड एक दो तो लगेगा नहीं सपोज किसी मैंडिंग चैनल की जो डेप्थ है थर्टी सेंटीमीटर है तो कम से कम ट्वेंटी सेंटीमीटर सैंड तो आपको वहाँ प्लेस करना होगा और 20 सेंटीमीटर क्यों मैंडिंग चैनल अगर आप देखेंगे तो कम से कम एक कॉन्केब और कॉन्वेक्स दोनों बैंड को लेते हुए देखा जाए आधे ट्रॉली से ज़्यादा आधे ट्रॉली से ज़्यादा सैंड बैट की जरूरत पड़ेगी और एक बार अगर आप पंप स्टार्ट कर देते हैं फ्लो स्टार्ट कर देते हैं देन फिर सेकंड फेज में वो पूरा सैंड बेड जो है इरोड होके कहाँ जाएगा हो सकता है संप में चला जाए या लोअर वाले में जो वियर बना हुआ वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा फिर से आपको वहां से कैरी करना फिर वहाँ उसको लेके प्लेस करना है स्पेशल टाइप ऑफ स्पर्डाइक टी से डाइक हॉकी टाइप स्पर्डाइक एंड किंग डिस्पर्डाइक अब देखा जाए कि जो हमारी स्टडीज़ है जो हमने पेपर इसमें प्लेस किया था वो टी सेफ स्पर्ट आइक हमने सेलेक्ट किया टी सेफ स्पर्ट आइक ही क्यों प्लेस किया फर्स्ट थिंग जितने भी रिसर्चर ने रिसर्च किया वो लोग स्टेट चैनल में परफॉर्म किए थे तो जो इरोजन के जो चांसेज हैं वो स्टेट चैनल में बहुत ही लेस हैं वेरी लेस ठीक है अब क्या करते हैं तो हमने ये डिसाइड किया कि जो हम इरोजन की अगर प्रैक्टिस करते हैं और स्कोरिंग की अगर रिसर्च करने स्कोरिंग पर अगर हमारा रिसर्च फोकस्ड है तो हमने क्या किया मैंडिंग चैनल सेलेक्ट किया ठीक है मैंडिंग चैनल सेलेक्ट किया और उस बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए टी सेफ स्पर्डाइक का सिलेक्शन किया गया ठीक है तो हमने जो अपनी स्टडीज़ है उसमें टी सेप स्पर्डाइक का सिलेक्शन किया फ्लो पैटर्न इराडो स्पर्डाइक स्पर्डाइक एंड ग्रॉइंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फ्लो वेलॉफ्टीज एंड पैटर्न इन रिवर इफ द स्ट्रक्चर इज बिल्ड At the concave bank of an eroding river, bend or along a straight bank where flow or velocities are high.

कि कॉनकेव बैंक अगर कोई होगा जहाँ भी कॉनकेव बैंक हुआ तो सबसे ज़्यादा इरोडिंग के इरोडिंग इरोडिंग के चांसेज या इरोजन के चांसेज सबसे ज़्यादा वहाँ वहीं होंगे अगर स्टेट बैंक होगा वेयर फ्लो वेलास्टीज हाई द तो मेन करेंट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द बैंक यहाँ क्लियरली मैंसन किया गया है कि जब कॉनकेव बैंक होगा तो वहाँ इरोजन और स्कोरिंग के चांसेज सबसे ज़्यादा होंगे ठीक है और जब स्टेट चैनल होगा तो वहाँ जो फ्लो वेलास्टिस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा सेंटर में तो फ्लो तो हम चाहते हैं सेंटर में रहे वाटर की अवेलेबिलिटी बैंक पे रहे ठीक है बट फ्लो जो है सेंटर पे रहे सेंटर पे रहेगा तो इरोजन डिपोजिशन जो भी होगा इक्वली होगा बट किसी एक पर्टिकुलर कॉन्केव पे अगर हो जाता है तो concave पे concave पे बैंक इरोजन के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे और डिपोजिशन कहाँ होगा कॉन्वेक्स बैंक पर होगा ठीक है तो द मेन करेंट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द बैंक टूवर द सेंटर ऑफ द चैनल चैनल डेफ एडजस्ट टू द न्यू वेलोसिटी एंड न्यूसिटी स्ट्रेस कंडीशन दिस हैपेंस बाय ऑफ लोकल सेडिमेंट स्कोर एंड डिपोजिशन The obstruction caused by spur dike generate complicated system of vertices formation. The primary vertex affects the bed immediately in front of the spur dike erodes bed material entrains the eroded material in the flow and allows to be carried away downstream by the main flow. Intermittent vertices of lesser strength <coughs> occur along both the upstream and downstream face of the dike. You see the flow past the spur dike may be divided into three categories. अगर फ्लो जो है पास्ट हो रहा है स्पोर्डाइक के अराउंड तो वो बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होगा आप सिंपल अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको चैनल ले लीजिए ठीक है ये जो रिवर की डेप्थ सपोज आपको रियलाइज भी हो रहा है कि स्कोरिंग रिवर है ठीक है अब रिवर है यहां हम स्पाइक सपोज हम ही खड़े हो गए ठीक है हम ही स्पाइक हो गए क्लियर उस फिगर को रियलाइज करिए कि एक ये बैंक और ये स्पाडाइक हो गया अब ये स्पर्डाइक का टाइप क्या है स्टेट है जब फ्लो स्टार्ट होगा सपोज तो ये जो पर्टिकुलर फेस है ये क्या होता है अपस्ट्रीम ठीक है अपस्ट्रीम होगा तो मेन फ्लो जोन अगर फ्लो इस सेंटर में चल रहा है अभी वो जस्ट कह रहा था स्ट्रेट चैनल फ्लो क्या हो जाता है सेंटर में शिफ्ट हो जाता है तो मेन फ्लो जोन हो गया वेक जोन है और मिक्सिंग जोन है तो देखा जाए मेन फ्लो जोन फ्रॉम द हेड ऑफ द फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्ड टू द अपोजिट साइड ऑफ द चैनल सपोज अपोजिट साइड ऑफ द चैनल यहां है ठीक है

अप्रोच करेंट कहाँ है डिफ्लेक्टेड करेंट कहाँ है प्राइमरी वर्टेक्स है करेंट डिफ्लेक्टेड बाई डाउन स्ट्रीम टाइक है और इंटरमीनेट वर्ट है अभी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है चैनल की तो वाइंडिंग पैटर्न ऑफ रिवर और स्ट्रीम वाइंडिंग मतलब जो टेढ़े मेढ़े पैटर्न होते हैं वाइंडिंग पैटर्न ऑफ रिवर और स्ट्रीम इज नोन एज मडर ए स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ सक्सेसिव मै मियडर इज अ बेंड इन साइनस वाटर कोर्स और रिवर अगर देखा जाए सपोज फ्लो अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो कॉन्केव बेंड है ये ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है कॉन्केव बेंड है तो फ्लो अगर यहां अटैक करेगा तो सबसे ज्यादा इरोजन यहां होंगे इरोजन होगा अभी रोड होकर डिपॉजिशन कहाँ होगा वो कॉन्वेक्स पे जाएगा तो ये पर्टिकुलर इस वाले लोकेशन से इरोजन होते होते ये शिफ्ट होता जाएगा और डिपोजिशन होते होते ये बैंक शिफ्ट होता जाएगा तो आप जो अभी बात कर रहे थे कि रिवर अपना कोर्स चेंज करती है आप अगर 50 साल पहले की बात करेंगे चाहे कोसी रिवर की बात करें चाहे गंगा रिवर की बात करें चाहे तो ये देखा जाए इली फिन अगर ओवर द दस ये डिसाइड देखेंगे कि रिवर क्या कर रही है अपना कोर्स चेंज कर जा रही है ठीक है तो अब देखा जाए कि लिख रहा है कि इज बेंड इन साइनस वाटर वाटर कोर्स अ फॉर्म्स मूविंग इन ए स्ट्रीम इरोड द आउटर बैंक मियडर फॉर्म्स वेन मूविंग वाटर इन ए स्ट्रीम इरोड आउटर बैंक एंड वाइडेंस इट्स वैली अगर कॉनकेव बैंक को आउटर बैंक को इरोड करेगा तो उसके वैली का फॉर्मेशन क्या होगा मोर होगा ठीक है वाइड इट्स वैली एंड इनर पार्ट ऑफ द रिवर हैज लेस एनर्जी एंड डिपोजिट सिल स्ट्रीम ऑफ एनी वॉल्यूम में एज्यूमरिंग कोर्स अल्टरनेटिवली इन सेडिमेंट फ्रॉम द आउट साइड ऑफ द बैंड एंड डिपॉजिटिंग दम ऑन द इन साइड छोड़ो ये डिफरेंट फ्लो होंगे मियंडर में हेलिकल फ्लो होगा इट इज द मेजर फ्लो इन द मैं बैंड दिस फ्लो कॉज एन इलिवेशन ऑफ वाटर लेवल ऑन द आउट साइड ऑफ द मियडर डिफरेंट फीचर्स इसके क्या होंगे देर आर न्यूमिर रिलेटेड टू मेडरिंग स्ट्रेस स्ट्रीम्सिंग करेक्टेटिक डिपॉजिट दीज इंक्लूड चैनल लेक पॉइंट बॉर ओवर बैंक डिपॉजिट नैचुरल लीव क्रीवे प्लेस एंड फ्लड बेसिंग डिपॉजिट अब स्कोरिंग बेसिकली अभी पहले भी डिस्कस किया था हमने स्कॉरिंग इज द रिमूवल ऑफ सेडिमेंट रिमूवल ऑफ सेडिमेंट सॉइल एंड रॉक फ्रॉम द स्ट्रीम बेड्स एंड स्ट्रीम बैग वॉज बाई मूविंग वाटर रेट ऑफ स्कोर क्या होगा अगर रेट ऑफ स्कोर की बात करेंगे द स्कोर विल रीच इट्स मैक्सिमम डेप्थ अगर देखा जाए जिस पर्टिकुलर रिवर में सैंड ग्रेवल बेड मटेरियल होंगे तो वहां पे जो इरोजन कितने टाइम में होगा आवर्स लग जाएंगे ठीक है घंटे लग जाएंगे क्यों क्योंकि तो इरोजन जो होगा वहां पे स्लो रेट होगा कोई सी बेड मटेरियल होगा तो वहां पे जो इरोजन होगा वो डेज में हो सकता है ग्लेशियल टिल्स एंड सैंड स्टोन

ब्रिज फेल्योर देखा होगा आपने कि जो एवर्टमेंट होते हैं बेसिकली जहां से रिवर क्या होती है जहां पे रोड आया और ब्रिज पे कनेक्ट करता है तो ज्यादातर जो ब्रिज फेल कर रहे हैं जो एवर्टमेंट स्कोर हो रहा है ना सपोज यहां से हम क्या कर रहे हैं ये स्पैन है पहले यहां हमने एवर्टमेंट क्रिएट कर दिया ठीक है अब ये स्पैन है तो बेसिकली जो ब्रिज फेल हो रहा है तो एवर्टमेंट फेल्योर हो रहा है पहले ये रियलाइज कर पा रहे हैं ना कि रोड ये है ठीक है और ये एवर्टमेंट है और यहाँ से ब्रिज यह का ये स्पैन है Osionfish. अब क्या हो रहा है जब फ्लो हो रहा है तो पर्टिकुलर ये के अराउंड जो स्कोरिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इरोजन हो रहा है लोकल स्कोर हो कहा हो रहा है ये इस के अराउंड तो ज्यादातर जो एवर्टमेंट क्या हो रहा है वो फेल कर जा रहे है। हैं कह रहे हैं ब्रिज फेल कर गया नहीं जहां से आप स्पेन को कनेक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर अबर्टमेंट का फेलर हो रहा है देन फिर वो ब्रिज फेल कर रहा है पहला पार्ट ही हो गया सेकेंड पार्ट जो है आपका जो सेकेंड सेकेंड जो है पियर्स जो है पियर्स के अराउंड जो ब्रिज को स्पैन को कनेक्ट करने के लिए जो पीयर का फॉर्मेशन किया जा रहा है या पीयर्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पियर सपोज ये सर्कुलर पियर्स है इसके अराउंड जब लोकल स्कोर मेजर किया जाता है लेसिज रिजिम स्क्वार पढ़ा होगा आपने पाँच हैं कौन कौन से हैं लेसिज रिजिम स्क्ॉर डेप्ट है और क्या है पांच हैं उसमें स्कोर डेफ्ट में पांच फॉर्मूले हैं अप्रोच फ्लो है और पर्टिकुलर देखेंगे जब वो पियर क्रिएट करने के बाद ये स्कोर डेफ का कंप्यूटेशन किया जाएगा कि पर्टिकुलर इस ये जो रिवर की जो प्रॉपर्टी है जो फ्लो की प्रॉपर्टी है उससे पर्टिकुलर उस पियर के अराउंड कितना स्कोरिंग होने के चांसेस हैं वो प्रेडिक्शन किया जाएगा उसी हिसाब से इसका फाउंडेशन देंगे बट जब कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है कैलकुलेशन अगर आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लोकल स्कोर का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पियर के अराउंड एवर्टमेंट के स्कोर इतना हो सकता है तो आप जो फाउंडेशन लाइट बना दे रहे हैं अब क्या हो रहा है जब स्कोर होल का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो पर्टिकुलर एबर्टमेंट फेल कर जा रहा है और अगर पियर फेल कर जा रहा है तो ब्रिज किसी ब्रिज का अगर एक या दो पियर फेल कर गया तो ब्रिज तो फेल कर जाएगी और इतना तो हम लोग सेंसिटिव हैं कि ब्रिक में ब्रिज में जरा सा भी क्रैक आ रहा है तो तुरंत उस पर क्या कर रहा है ये जो पीपल्स का जो मूवमेंट है बिल्कुल रोक दिया जा रहा है कि ब्रिज ये फेल कर जाएगा तो फर्स्ट थिंग कि देखा जाए लोकल स्कोर का जो फॉर्मेशन होगा वो पीयर्स और स्पर डाइक के राउंड होगा ठीक है तो पीयर्स के राउंड पहले कंप्यूटेशन या मेजरमेंट या कैलकुलेशन इसका कर लिया जाए कि, कि कितना स्कोरिंग होने के चांसेज हैं सिमिलर थिंग स्पर डाइक के राउंड भी कितने इरोजन कितना स्कोरिंग होने के चांसेज है उसका भी मेजरमेंट करने के बाद भी हम लोग उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्रिएट करें ठीक है इस स्ट्रक्चर आज लेक्चर को हम यही रोकेंगे नेक्स्ट टाइम फिर कल डिस्कस करते हैं ठीक है टाइम हो गया शायद <coughs> आप लोग लंच के लिए ठीक है थैंक यू आशीष सर अभी लंच बता देना कहाँ है कल एक बार और डिस्कस होगा ठीक है चार दिन